चलो अभी हम इस चैप्टर के जो थोड़े बहुत एमसीक्यू है जो गुजकेट में पूछे गए हैं उस पे थोड़ा फोकस करेंगे। चैप्टर नंबर 10 बॉर्ड एंड गुजकेट। वॉट चेंजेस ड्यूरिंग सी, यहां पे पोलराइजेशन के बारे में बात हो रही है। जो टॉपिक आपको निकल गया है लेकिन एमसीक्यू के लिए याद रखना, वॉट चेंजेस ड्यूरिंग द पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट जब होता है तब इंटेंसिटी का इक्वेशन आता है, I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। तो याद रखना ड्यूरिंग पोलराइजेशन इंटेंसिटी चेंजेस, ड्यूरिंग पोलराइजेशन इंटेंसिटी चेंजेस। आपको फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी वेवलेंथ ये सब आएगा। इफ लाइट इंटेंसिटी आई नॉट इज इंसिडेंट एट एन एंगल 45 डिग्री विथ ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ पोलराइड, सो इंटेंसिटी ऑफ इमर्जिंग लाइट। सी, ये मेरे पास सोर्स लाइट है, ये एक और क्वेश्चन पोलराइजेशन के ऊपर का आ रहा है। ये मेरे पास सोर्स लाइट है जिसको अनपोलराइज लाइट भी बोलते हैं। ये सोर्स लाइट जब ये पोलराइड पे गिरती है, सपोज कि इस पोलराइड को मैंने 45 डिग्री के एंगल पे रखा हुआ है, बराबर है, तो ये बोल आ जाता है पोलराइड। तो यहां से जो इमर्जिंग लाइट होगी उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, जो इंसिडेंट लाइट है उसकी इंटेंसिटी उन लोगों ने आई नॉट बोली है। अब थीटा आपको यहां पे क्या बोला है, 45 डिग्री। तो याद रखना अगेन यहां पे ये जो मैंने लिखा था मालस लॉ है। कौन सा लॉ है ये, मालस लॉ। तो अगेन यहां पे हम कौन सा लॉ यूज करेंगे, मालस लॉ यूज करेंगे। तो मालस लॉ के लिए इंटेंसिटी के इक्वेशन है आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। आई नॉट कॉस स्क्वायर, यहाँ पे थीटा 45 डिग्री है, तो आई इज इक्वल आई नॉट कॉस 45 वन बाई रूट टू का स्क्वायर, तो आई इज इक्वल टू आई नॉट बाई टू, मतलब की 0.5 आई नॉट। तो अगेन ये क्वेश्चन किसके ऊपर आया, पोलराइजेशन के ऊपर, जो आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। उसके बाद व्हाट शुड बी द वेवलेंथ ऑफ लाइट टू गेट फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज एट अ पॉइंट वेर थर्ड ब्राइट फ्रिंज इज ऑब्टेन्ड यूजिंग वेवलेंथ ऑफ 700 नैनोमीटर इन यंग्स एक्सपेरिमेंट। सी, मैंने आगे ही एक आपको एग्जाम्पल या तो एक्सरसाइज मैंने करवाई थी जिसके अंदर दो अलग अलग वेवलेंथ वाली लाइट थी, और दोनों के अलग अलग ब्राइट फ्रिंज एक जगह पे क्या हो रहे थे, कोइंसाइड हो रहे थे। तो यहाँ पे सपोज की लैम्डा वन वेवलेंथ का कौन सा ब्राइट फ्रिंज यहाँ पे मिल रहा है, फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज लैम्डा वन वेवलेंथ का फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज। लैम्डा टू इज इक्वल टू 700 नैनोमीटर वेवलेंथ के 700 नैनोमीटर वेवलेंथ के थर्ड ब्राइट फ्रिंज पे कोइंसाइड हो रहा है। याद रखना लैम्डा वन वेवलेंथ का एनवंथ ब्राइट फ्रिंज लैम्डा टू वेवलेंथ के
एंड टूथ ब्राइट फ्रिंज पे कोइंसाइड हो रहा है, तो इसके लिए मेरे पास इक्वेशन है एन वन लेमड़ा वन इज इक्वल टू एन टू लेमड़ा टू। एन वन मेरे पास 5 है, ये लेमड़ा वन, एन टू मेरे पास 3 है, ये 700 नैनोमीटर। तो लेमड़ा वन इज इक्वल टू 3 इंटू 700 डिवाइडेड बाई 5 नैनोमीटर। तो यहाँ पे मेरे पास लेमड़ा वन आएगा 3 इंटू 5 वन जा 5, 5 फोर जा 20। तो यहाँ पे लेमड़ा वन आएगा 720 नैनोमीटर, अरे 420। तो कभी भी आपको कोई एक वेवलेंथ का, कोई एक ब्राइट फ्रिंज कोई दूसरी वेवलेंथ के कोई दूसरे ब्राइट फ्रिंज पे को इनसाइड होता बोले, क्या बोले, को इनसाइड होता, तब आपको मैंने बोला था कि यही इक्वेशन यूज करना है। कौन सा इक्वेशन है? एन वन लेमडा वन इज इक्वल टू एन टू लेमडा टू। एक और एमसीक्यू, पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या प्रूफ करता है? पोलराइजेशन ऑफ लाइट प्रूव दैट लाइट इज लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स। पक्का लाइट इज कौन सा वेव है? लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स, कंपोज्ड ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स। लाइट इज कंपोज्ड ऑफ फिफ्थ, देखो लिमिट ऑफ रिजल्विंग फॉर एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट अराइजेस ड्यू टू, याद रखना ऑप्टिकल, ये भी आपके टॉपिक में से निकल गया है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो है उसका लिमिट ऑफ रिजॉल्विंग ड्यू टू डाइफ्रेक्शन है। क्या है? ड्यू टू डाइफ्रेक्शन। ये आपको इसमें एक एक मार्क के ऐसे थियोरिटिकल एमसीक्यू भी बहुत आएंगे। चलो उसके बाद एक आता है ब्रूस्टर्स लॉ। कौन सा लॉ आता है यहाँ पे? ये मालस लॉ, आगे हमने देखा मालस लॉ क्या था, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, ये मालस लॉ था। मालस लॉ पोलराइजेशन के अंदर आता है, ब्रूस्टर्स लॉ भी पोलराइजेशन के अंदर आता है, याद रखना मालस लॉ भी पोलराइजेशन के अंदर आता है, ब्रूस्टर्स लॉ भी पोलराइजेशन के अंदर आता है। ब्रूस्टर्स लॉ क्या है? एन इज इक्वल टू टेन थीटा पी, ये थीटा पी मतलब क्या है? एंगल ऑफ पोलराइजेशन, एंगल ऑफ पोलराइजेशन, और ये एन क्या है? रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है। ये आपको याद रखना है ब्रूस्टर्स लॉ, ओके। उसके बाद एक और एमसीक्यू है, ध्यान से देख। इन यंग्स एक्सपेरिमेंट डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स, डिस्टेंस बिटवीन .28 नैनोमीटर है, मतलब कि .28 इंटू 10 रेस टू माइनस 9 मीटर, ये डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट, सॉरी मिलीमीटर है, मिलीमीटर है, तो यहाँ पे 10 रेस टू माइनस क्या आएगा? 3। उसके बाद उसने पूछा है डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन इज 1.4 मीटर, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन 1.4 मीटर है। इफ डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एंड थर्ड ब्राइट फ्रिंज इज 0.9 सेंटीमीटर, सी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एंड थर्ड ब्राइट फ्रिंज, 1, 2, 3, तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज और थर्ड ब्राइट फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस पूछा दिया है x3। तो थर्ड डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज
याद रखना ये ब्राइट वर्ड फ्रिंज एंड थर्ड ब्राइट फ्रिंज मतलब कि आपको एक्स थ्री दिया हुआ है। एक्स थ्री आपको कितना दिया हुआ है यहाँ पे 0.9 सेंटीमीटर। तो आपको वेवलेंथ ऑफ लाइट पूछी है। क्या पूछा है आपको? वेवलेंथ। तो आप लोगों के पास यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज है। कौन सी फ्रिंज है यहाँ पे? ब्राइट फ्रिंज है। ब्राइट फ्रिंज है तो कौन सा इंटरफेरेंस हुआ होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ब्राइट फ्रिंज है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ होगा। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए एक्स एन डी बाई डी इज इक्वल टू मेरे पास क्या है? एन लैम्डा। यहाँ पे एन इज इक्वल टू क्या लेना है? थ्री। तो एक्स थ्री स्मॉल डी बाई डी इज इक्वल टू थ्री इंटू लैम्डा। एक्स थ्री आपको पता है, स्मॉल डी कैपिटल डी आपको पता है, एन आपको पता है, तो क्या आपको यहाँ पे लैम्डा मिल जाएगा? देख लो। उसके बाद इसमें से कौन सा वेव पोलराइज नहीं होता? तो अल्ट्रासोनिक वेव्स पोलराइज नहीं हो सकते। ये सब छोटे छोटे पॉइंट याद रखने हैं। उसके बाद 100 पाई मोस्ट आईएमपी एमसीक्यू 100 पाई फेज डिफरेंस 100 पाई फेज डिफरेंस इज इक्वल टू डैश पाथ डिफरेंस। बोलो क्या करेंगे? 100 पाई फेज डिफरेंस इज इक्वल टू डैश पाथ डिफरेंस। तो आपको ये इक्वेशन पूछा ही जाएगा, या तो बोर्ड में या तो बुचकेट में ये इक्वेशन आएगा। तो 100 पाई फेज डिफरेंस मतलब डैश पाथ डिफरेंस। इसको समझने के लिए 2 पाई रेडियन है। कितना है? 2 पाई रेडियन है। देखो 2 पाई रेडियन फेज डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्डा पाथ डिफरेंस। ये जो वेव है वो यहां से यहां जाएगा, मतलब 0 से 2 पाई का फेज डिफरेंस लेगा। कब लेगा? जब ये पूरा वेव आएगा। पूरा वेव मतलब उसकी वेवलेंथ जितनी लैम्डा हो गई। तो 2 पाई रेडियन फेज डिफरेंस याद रखना, 2 पाई रेडियन फेज डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्डा पाथ डिफरेंस। मतलब 2 पाई रेडियन इंटू फेज डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। क्या याद रहेगा? 2 पाई रेडियन इंटू फेज डिफरेंस इज इक्वल लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। फिर से 2 पाई रेडियन इंटू फेज डिफरेंस इज इक्वल लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। इसका मतलब ये हुआ कि 2 पाई रेडियन इंटू फेज डिफरेंस इज इक्वल लैम्डा पाथ डिफरेंस। मतलब 2 पाई रेडियन पे लैम्डा होता है, 2 पाई रेडियन पे लैम्डा होता है, 2 पाई रेडियन पे लैम्डा होता है। तो 100 पाई पे कितना होगा? 2 पाई रेडियन पे लैम्डा होता है तो 100 पाई पे कितना होगा? बोलो। तो 2 पाई पे लैम्डा तो 100 पाई पे कितना? तो आपको मिला लैम्डा इंटू 100 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई। क्या मैं जो बोला वो समझ में आ रहा है? 2 पाई पे लैम्डा तो 100 पाई पे कितना? तो 2 पाई इंटू 50 100 पाई, तो आपका आंसर आया 50 लैम्डा। मोस्ट एमपी कैंसिल 100 पाई फेस डिफरेंस इज इक्वल टू इतना पास डिफरेंस। तो 2 पाई पे लैम्डा तो 100 पाई पे कितना? तो 2 पाई पे लैम्डा तो 100 पाई पे कितना? तो 50 लैम्डा। मोस्ट एमपी एमसीक्यू।
ओके उसके बाद देखो, ये याद रखोगे तो आराम से एमसीक्यू हो जाएगा। उसके बाद व्हाट विल बी द एंगल ऑफ फर्स्ट मैक्सिमम ऑब्टेन बाय फ्रॉनहोफर डिफ्रेक्शन बाय सिंगल स्लिट यूजिंग द वेवलेंथ ऑफ 500 नैनोमीटर। यहां पे वेवलेंथ कितना यूज किया है? 500 नैनोमीटर, मतलब लैम्डा इज इक्वल टू 500 इंटू 10^-9 मीटर। ओके, अब एक बात समझो आप, यहां पर फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा बोला है उसने, तो मैं आप लोगों को एक सिंपल सी बात बताना चाहता हूं, मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो मैं आप लोगों को एक टेबल ड्रॉ कर देता हूं, ध्यान से समझना। टेबल ये है, इंटरफियरेंस इसके फिर स्पेशल केसेस में बताऊंगा, लेकिन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रेक्शन ध्यान से सुनो। मैक्सिमा मतलब ब्राइट फ्रिंज, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मिनिमा मतलब डार्क फ्रिंज, मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर एक्स एन स्मॉल डी बाई कैपिटल डी इज इक्वल एन लैम्डा। और मिनिमा के अंदर एक्स एन डी बाई डी इज इक्वल टू एन प्लस वन लैम्डा बाई टू। समझ में आया? इंटरफियरेंस। डिफ्रेक्शन के अंदर, डिफ्रेक्शन के अंदर एक्स एन डी बाई डी इज इक्वल टू एन प्लस वन लैम्डा बाई टू। और यहां पे समझ में आया मैं जो बोल रहा हूं? इंटरफेरेंस का मिनिमा के लिए कंडीशन, डिफ्रेक्शन के मैक्सिमा के लिए कंडीशन है। इंटरफेरेंस के मैक्सिमा के लिए कंडीशन, डिफ्रेक्शन के मिनिमा के लिए कंडीशन। समझ में आ रहा है? इसको एक और भी लिख सकते हैं, अगर थीटा के फॉर्मेट में लिखना हो तो डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन प्लस वन लैम्डा बाई टू। यहाँ पे d साइन थीटा इज इक्वल टू एन प्लस वन लैम्डा बाई टू, और यहाँ पे d साइन थीटा इज इक्वल एन। देखो इसको, अगर आप ये चार इक्वेशन, अगर आप ये चार इक्वेशन, इक्वेशन तो रियलिटी में दो ही याद रखने हैं, लेकिन अगर आप ये चार इक्वेशन बहुत अच्छी तरीके से याद कर लिए, आपने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिए, तो ऐसी कोई भी कंडीशन आएगी आप आराम से कोई भी एमसीक्यू सॉल्व कर सकोगे। इसमें से एक एमसीक्यू आएगा, आएगा और आएगा ही कंपलसरी।